Are you single? When are you guys planning for a baby? Insecurities, possessiveness. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. तो काफी लोगों ने मुझे ये बोला था कि part 2 इसका आना चाहिए Q&A का. तो we are back with the part 2 video. And मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल देती हूँ कि मुझे एक ही सवाल बहुत बार आया है, एंड दैट इज शादी कब है, डेट क्या है. तो अभी हम लोग ये रिवील नहीं करेंगे, बट आई टेल यू सून. तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग हटा देते हैं, बिकॉज बहुत लोगों ने यही पूछा था. ऑल्सो बिफोर वी गेट इन टू दिस वीडियो, मुझे एक चीज बतानी है, दैट वी बोथ आर सुपर एक्टिव ऑन यूट्यूब. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो. हेल्प हिम टू रीच 10K एंड हेल्प मी टू रीच 300K. वी आर इतना सा क्लोज फॉर, वी बोथ आर इतना सा क्लोज फॉर आवर टारगेट्स. हाँ, तो वो जल्दी कंप्लीट कर दो, सो दैट एक मोटिवेशन मिल जाता है एक्टिव रहने का. ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस वन फनी रीजन ऑफ ब्रेकअप दैट यू माइट हैड इन योर पास्ट. ओह माय गॉड, ये तो बता भी नहीं सकते. बहुत फनी है, बहुत. मतलब पूरी फैमिली ये वीडियो देखेगी. तो एक बार नॉनसेंस रीजन है, मतलब नॉनसेंस ही पूछा है. रीजन ही नॉनसेंस है. तो जो गाड़ी का डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर पैर रख के एक बार बैठा था मेरे गाड़ी में, एंड आई डोंट लाइक सच थिंग. तो हमारी वो लड़ाई इतनी ज्यादा वो एक्सटेंड हो गई कि इसको मैंने गाड़ी से उतार दिया था बीच रास्ते में. मेरे बोला तू गाड़ी से उतर जा मेरे, और तू तेरे चल के घर जा. और 10:30 बजे थे और इसको उतार दिया था मैंने. 10:30-11 बज चुके थे और मुझे गाड़ी से उतार दिया, और वहां से बोला अब तुझे कैसे आना है, तू तेरा आ जा. ये भी नहीं पूछा तेरे फोन में बैटरी है, तू किसी को कॉल करके बुलाया, कैब करा, कुछ नहीं. चली गई सीधा, गजब बेइज्जती. और घर से हार्डली 20 मिनट्स की दूरी पे थे हम. 20-30 मिनट्स. या एग्जैक्टली. सो द नेक्स्ट इज व्हाई यू बोथ टेकन 2 इयर्स गैप बिटवीन रिलेशनशिप. ओके, तो मैं इसका रीजन मैं बताता हूँ. जो हमने 2 इयर्स का बीच में गैप लिया था वो ये इसलिए हुआ था क्योंकि डॉल तभी न्यू फेम में आई थी, एंड वो पुणे छोड़ के बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी. तो उसकी वजह से ना मेरे अंदर की इनसिक्योरिटीज, पॉजिटिवनेस, ये बढ़ चुका था बहुत ज्यादा. और फिर उसी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये सब होने लग गए थे. फिर ऐसी छोटी छोटी बात वो बहुत बड़ी बन जाती थी, और तो बड़ी बन गई. हाँ, बड़ी बन गई. तो फिर हम लोग ने 2 इयर्स का, 1.5 इयर्स था मे बी मैक्स, उतना हम लोग एक दूसरे से टच में थे. टच में भी बाद में थे, बाद में थोड़ा थोड़ा सा बाद में, लास्ट में, बट फुल कुछ भी टच में नहीं थे. बट हाउ यू नो, लाइक मतलब नोबडी नोस की इतना, मतलब घूम फिर के यहीं पे आ गए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज के मम्मी और आपका रिलेशन कैसा है? बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, एंड इतनी ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा सपोर्टिव है, इसे नहीं मुझे. हाँ, ये तो सच बात है. मतलब मेरे से ज्यादा तो अभी ये पसंद आने लग गई है, बट ठीक है. एनीवेज, हर यू नो लाइक हर घर में ऐसे ही होता है कि मम्मी की हमेशा फेवरेट लड़की ही होती है. हाँ, लेकिन अभी अभी मेरी मम्मी भी इसकी साइड लेने लगी. हाँ, है, तो और वॉइस वर्सा, मॉम एक्सचेंज, मम्मी एक्सचेंज हो गई है. ओह शिट, ये चैलेंज हमें करना चाहिए, एक्सचेंजिंग मॉम फॉर 24 आवर्स. हाँ, करते हैं. सो द नेक्स्ट इज, क्या आपकी शादी के बाद राज आपके साथ सौम्या को भी घुमाने ले जाएगा? बिग नो. ये खुद ही उसको बुलाता है. सौम्या को मिले ना, सौम्या को मिले ना, सौम्या. और मैंने ना बहुत सारे कमेंट्स आपके पढ़े भी थे कि सौम्या हमेशा कबाब में हड्डी की होती है. एक्चुअली वी बोथ लव दैट काइंड ऑफ हड्डी, तो हम दोनों को भी पसंद है अगर सौम्या आती है हमारे. सो नेक्स्ट इज राज प्योर मराठी? प्योर क्या, प्योर प्योर नहीं हूँ, मतलब आप जो बेसिकली, आई एम नॉट अ महाराष्ट्रियन, बट मुझे मराठी पूरी अच्छी तरीके से आती है. इनफैक्ट मुझसे भी अच्छी आती है. हाँ, आई एम सिंधी बाय द वे. एक सेकेंड, ये क्वेश्चन अभी सुनो. आप दोनों का इतनी बार झगड़ा हुआ तो आपका ब्रेकअप का ख्याल नहीं आया? आपको ब्रेकअप का ख्याल नहीं आया? ख्याल लास्ट वीडियो में बताया था, 150-200 लाख बार. हाँ, लाखों बार ब्रेकअप हो चुका है. ख्याल ही ख्याल आते हैं, बट झेलना पड़ेगा. मेड फॉर इच अदर ना, क्या करें. मतले यार, मतले आगे ले ले. आपने कभी राज जीजू को थप्पड़ मारा है गुस्से में? नहीं 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 मारे, ऑनेस्टली नहीं मारा, लेकिन अमन प्रैंक कर सकते हो आप आपके होने वाले हस्बैंड पे. ये क्या प्रैंक करेगी? मैं प्रैंक को प्रैंक करता हूं. ऐसे ऐसे सवाल है ना पढ़ने को, और ऐसे ऐसे आए ना, मैं बता भी नहीं सकती. हां, बहुत डेंजर है. व्हेन डिड यू बोथ, ये क्वेश्चन देखो, आर यू सिंगल? कौन है ये लेजेंड? आई एम पुष्कर. ग्रेट जॉब. व्हेन डिड यू बोथ सॉ ईच अदर? ऑन माय बर्थडे. या
शादी तो हो जाए, शादी का ठिकाना नहीं है, बच्चा सीधा हाथ में दे रहे हो. नेक्स्ट इज आफ्टर फाइट हु अपोलोजाइज फर्स्ट. डॉल सॉरी बाबू, ऐसे करती है ना तू. रियलिटी में ही बता रहा हूँ. नहीं हाँ, यू डू दिस. नो, वो तो वीडियोस में भी देखा होगा. क्योंकि मेरा ना गुस्सा बहुत कम देर तक रहता है, वो जल्दी से निकल जाता है. मतलब मैं बहुत कम टाइम के लिए गुस्सा होता हूँ, फिर बाद में मेरे को ही लगता है कि क्या यू नो नॉनसेंस चीजों पे गुस्सा हो रहा. तो मैं एंड इसने एक बार हम लोग एक बार कहीं बाहर गए थे एंड वहाँ पे वो कार्टून्स होते हैं ना, वो सूट वगैरह पहन के, तो हमारा लड़ाई हो गई थी और इसने वो पांडा का सूट बोरो किया था. हाँ, और वो पहन के सॉरी बोला था. फोटो डाल हाँ, वो मैं यहाँ पे फोटो ऐड कर दूंगी. मेरे पास वीडियो नहीं है. ऐसे ऐसे तरीकों से मैंने इसे सॉरी बोला है कि मैं क्या बताऊँ. मैं ना ये लव स्टोरी वाले वीडियो में पक्का बताऊंगा. और बुरखा भी. अरे रुक जा बाद में बताते है ना वो. ठीक है, लव स्टोरी वाले वीडियो में बता देना, मतलब वो वीडियो क्या बनेगी फिर. विल राज परफॉर्म इन वेडिंग सोलो डांस? यस यस बी यस. ओ ये इम्पोर्टेंट है. राज की यूट्यूब आईडी नहीं मिली मेरे को भाई. मेरे प्रोफाइल में उधर लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगी. प्लीज जल्दी जाके देखना यार. राज की यूट्यूब आईडी नहीं मिली. ऐसे कैसे नहीं मिली, कैसे यार. आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या निकनेम रखा है जो सिर्फ आप एक दूसरे को बोलते हो? ऐसा तो कोई निकनेम नहीं रखा है, इसके पेरेंट्स ने रखा था बबलू. तो मैं वही बोलती हूँ बबलू. नहीं है ये मेरा. तो मैं अभी अच्छा हो गया बताया. मैं इसके लिए एक न्यू निकनेम सोचता हूँ आज से. Who's more possessive about things, about their things? दोनों सेम लेवल पे आई गेस. दोनों सेम है, दोनों 100-100 लेवल पे. हाँ, 100-100 लेवल पे दोनों पॉजिटिव है. राज जीजू के मम्मी पापा के साथ व्लॉग कब आएगा? एक्चुअली मैं बहुत बार गई हूँ उसके घर पे, बहुत बार. बट व्लॉगिंग मुझसे भी ज्यादा. तो लेकिन व्लॉगिंग करने की कभी हिम्मत नहीं, लेकिन एक ऑकवर्ड लगता है ना, तो वैसा. लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर दैट आई विल व्लॉग एट हिज हाउस. Yes. ये मतलब राज का जब Q&A किया था ना, बहुत सेंसिबल क्वेश्चंस थे. लेकिन मेरे Q&A में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आया ना कि मैं सारे स्किप करते जाती हूँ. अभी एक और क्या आया है, कितने बच्चे करोगे और कब एंड कौन से फीचर्स, किस पे जाना चाहिए? क्या मैं बताता हूँ इसका आंसर. अभी पूछ ही लिया है तो मैं 11 बच्चे करूंगा. मेरी फुटबॉल टीम बनाऊंगा एक, और उसका कोच मैं रहूंगा. और किस पे जाने चाहिए, किसी पे भी गए चलेगा. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? डॉल पे नहीं, फुटबॉल प्लस एक्चुअली थोड़े टॉल होने चाहिए, तो मुझ पे ही जाए थोड़ा सा. डॉल पे तो बॉल. अभी मुझे बहुत एम्बैरेस फील हो रहा है. एक तो हम लोग ये वीडियो बालकनी में शूट कर रहे हैं. सबको हमारी प्लानिंग मालूम पड़ गई है, फ्यूचर प्लानिंग. हु इज द बॉस इन रिलेशनशिप? मी. मैं हूं ना. नहीं फक वो है नहीं, ये हमारी बॉस है, छोटी सी बॉस है. नाम छोटा काम बड़ा. हां, व्हाट इज वन थिंग दैट यू लाइक Almost in Raj? Dedication बहुत ज़्यादा है. इतना ज़्यादा dedication है, इसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा active हूँ YouTube पे और Instagram पे भी, क्योंकि इसने अपना channel खुद का open किया, तब से मुझे भी वो कर रहा है. Poke कर रहा है, video बना. So ये dedication मुझे अच्छा लगता है. दिन में 10 contents लाता हूँ इसके पास, जिसमें से 8 reject हो जाते हैं. मतलब लड़कों को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है पीछे से. मतलब मेरा दोस्त बैठा है पीछे, रेमी, वो भी ऐसे कर रहा है. हाँ ब्रो, करना पड़ता है. क्योंकि रेमी को सारे फाइट्स पता है. हम दोनों के बीच में जो होते थे ना, मैं रेमी को बताती थी, वो सब उतनी ऐसा हुआ वैसा हुआ. मेरे को पूरा भरोसा, रेमी बोलता है नहीं डॉल राज सही है. नहीं, हमने हार्ड टाइम्स भी देखा है और अच्छा टाइम भी देखा है साथ में. तो वो तो लव स्टोरी वाला वीडियो है ना. वेयर डिड यू बोथ किस्ड फर्स्ट, चिक्स और लिप्स? आओ पूरी कहानी बताती हूँ. कैसे कैसे सवाल आए यार. आपके और राज के बीच में जलसी वाला सीन हुआ है कभी? नहीं, एक दूसरे से क्यों जलस हो गए? कभी भी नहीं. डू यू एवर फील जेलस ऑन हिज फीमेल फ्रेंड्स? फीमेल फ्रेंड्स ही नहीं है, नहीं है. काजल आशिम मस्त हम है, वही तीन है बस, और कोई नहीं है. Who gets angry most of the time? Me. कौन होता है पहले?
होगा। कौन होता है? मैं प्रॉब्ली बोल रही हूँ, मैं हंस के बोल रही है। बोल दिया आपकी हाइट क्या है, हाइट के बारे में बात ना करें। साढ़े तीन फुट। तीन, साढ़े तीन है फिर? नहीं यार, पाँच है। पाँच है, फाइव है। मैं बता था इसकी एग्जैक्ट हाइट क्या, इसकी हाइट है 4.11। फाइव है? नहीं, रेंड है। चिड़चिड़ करना, ओवर रिएक्ट करना और ओवर ड्रामा क्रिएट करना, छोटी सी बात को बड़ा बनाना। अच्छा लगता है, थोड़ा तड़का होना चाहिए लाइफ में। खाने में डाल दे, मजा आएगा। राज है मेरी सिबलिंग, यस। इसका भाई इससे भी, इसका भाई इससे भी हैंडसम दिखता है। हाँ ठीक है, क्यूट लग दिखता है। आस्क राज टू टॉक इन मराठी, माझ्या सोबत मराठी मध्ये बोल। ओके ओके, सॉरी। ठीक है ठीक है, पूर्ण बोल। काय बोलू, काहीतरी बोल। तुला मी, तुला मी किती आवडते, ऐ क्या नॉनसेन्स पूछ रही, कितना खूब सारी आवडते, खूब जास्त आवडते, ये बोलू मैं। मी कशी दिसते? तू खूप गोड दिसतेस। ये ट्रिक होती है तारीफ कराने की। बोथ फेवरेट पिक्चर टुगेदर, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। रिलेशन के स्टार्ट में जब राज भैया के घर पे पता था, तो उस टाइम आप उनकी मम्मी से मिले हो, उस टाइम ऑकवर्ड नहीं लगा? मैं तो बहुत स्टार्टिंग से ही राज के पेरेंट्स को जानती हूँ, एंड मेरा घर पे आना जाना था, तो कभी ऑकवर्ड तो नहीं लगा। हाँ शाय फील होता था, बट ऑकवर्ड कभी नहीं लगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इतने सारे नॉनसेंस भी बोल सकते हैं, बट बहुत फनी क्वेश्चंस आए थे जिसपे हम लोग आंसर भी नहीं कर सकते, मतलब ऐसे ऐसे थे। एंड इफ यू वॉन्ट कि मैं इसका फिर से थर्ड पार्ट बनाए हम लोग, इफ यू वॉन्ट देन हम लोग बना लेंगे, तो कमेंट्स में बता देना। एंड इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड आई विल एंड दिस व्लॉग हियर, आई विल एंड दिस वीडियो हियर। सो इफ यू लव दिस वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। 300K बना दो जल्दी। ओके, मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, बाय, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।